ये प्रातः क्लास चल रहा था बंबई में सोमवार को 21/10/1963। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि तुम बच्चे समझते हो और दूसरों को समझा सकते हो, बिगर समझे तो तुम लिख नहीं सकेंगे। हम गीता के लिए भी कह देते हैं कि गीता को हम झूठी क्यों कहते हैं, वो भगवान कौन है जिसकी सीमत गाई हुई है। वो तो कह देते हैं श्री कृष्ण, बाप कहते हैं दैट इज रैंग, ये झूठ ही हो गई। श्री श्री तो हम कृष्ण को कह ही नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण देवता है, देवताएं कलाओं में बंधे हुए होते हैं, उनके लिए गाया जाता है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, जबकि भगवान का ये टाइटल नहीं है, उनके लिए तो गाया जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। श्री कृष्ण को तो उन्होंने द्वापर में दिखाई दिए है, भगवान तो कल्प के अंत में आते हैं। और भगवान तो बाप है, श्री कृष्ण तो बच्चा है। तो श्रीमत भगवान कृष्ण वहां कहां से आएंगे। अभी तुम तो जानते हो ना कि तुमको अभी श्रीमत कौन देते हैं। श्री श्री भगवान शिव, वो कलातीत हैं, क्योंकि ज्ञान सूर्य है, सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता। क्योंकि कृष्ण को बाप ने समझाया, उनको सी का टाइटल है, तो सी सी कृष्ण नहीं कहेंगे, श्री श्री राधे भी नहीं कहेंगे। तो इनको कहेंगे श्री श्री, किसको, शिव को कहेंगे या रुद्र को कहेंगे। क्योंकि वो रुद्र बाबा बोलता है, देखो मेरा नाम रुद्र भी है और मेरा नाम शिव भी है, शिव कल्याणकारी को कहा जाता है और रुद्र रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। ऐसे तो मेरे को बहुत ही नाम देते हैं, परंतु वास्तव में मुझे शिव माना एक भूरी भी कहते हैं। बिंदु नॉट, जब गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 6,
फिर बूरी रख देते हैं, तो बूरी माना ही दस हो गए, उसको नाट कहा जाता है। अभी है जैसा नाट, और नाट तो होती है बुंदी, ये नाट को फिर स्टार के मुआफिक सजाया जाता है। स्टार को तो सजाया जाता है ना, तो बाप ने समझा दिया है कि बच्चे हम लोग वास्तव में हैं जैसे स्टार। एक बूरी है, फिर लाइट निकलती है, जैसे स्टार बन जाते हैं। हम लोग जब हीरों को स्टार बनाते हैं तो भी ऐसा बना करके उनमें पॉइंट दे देते हैं, बस हो गया स्टार। 21:10-63 की वाणी का तीसरा पेज। तो ये भी लाइट की पॉइंट निकाल देते हैं तो स्टार हो गया। वास्तव में आत्मा परमात्मा माना परमात्मा दोनों हैं। दोनों माने दोनों माने कौन कौन? वास्तव में आत्मा व परमात्मा माना परमात्मा दोनों हैं एक जैसे। आत्मा भी बिंदु और परमात्मा भी बिंदु, सिर्फ वो बाप है, वो रहते परमधाम में है। और बाप समझाते हैं, समझाएगा भी तो वही ना, बच्चे थोड़े ही समझा सकेंगे। उनको कहा जाता है बाबा, पिता, गॉडफादर, तो जरूर बच्चे कहेंगे ना, और इतने तो सब मूर्ख हैं, कहते भी हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, ब्रदरहुड। फिर जब हम ब्रदर्स हैं तो जरूर सबका एक बाप होना चाहिए। यूं तो हर एक ब्रदर का एक बाबा अलग है, परंतु ये जो सब आत्माएं हैं ब्रदर्स, उनका तो एक बाप होना चाहिए ना, उसको ही कहा जाता है परमपिता। किसको? जो अनेक बिंदु बिंदु रूप स्टार्स हैं, आत्माएं हैं, उनका एक ही बाप है परमपिता। फिर क्या कहा जाता है? परमधाम में रहने वाली आत्मा अर्थात परमात्मा। तो अभी समझा तुम लोगों को, किसको समझाने के लिए डिफिकल्टी होगी क्या? जब इतना बड़ा उनको देते हैं तो वो बच्चे बोलते हैं, तो हम किसके साथ किसको याद करें? क्या इनको याद करें? ब्रह्मा को याद करें? ये तो याद नहीं आते हैं, हमने कभी याद नहीं किया। ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को, सबको देखा है, तो हमेशा स्थूल को याद किया यानी कृष्ण को याद किया। तो
तो ये हम कैसे याद करें? ये तो कुछ बड़ा है। बाप बोलते हैं, मैं वास्तव में इतना बड़ा नहीं हूं। फिर शिवलिंग को इतना बड़ा क्यों बनाए देते हैं? है कोई कारण होगा? कोई कारण नहीं। अरे कान को बड़ा बनाए दें, नाक को बड़ा बनाए दें, शिवलिंग को इतना बड़ा क्यों बनाए देते हैं? ये शिवलिंग हमने क्यों उठाया है? क्योंकि शिवलिंग सो तो इतना ही दिखाते हैं, और शालिग्राम भी दिखाते तो हैं, लेकिन छोटा दिखाते हैं। क्या कारण है? शालिग्रामों को छोटा दिखाते हैं और लिंग को बड़ा दिखाते हैं। हैं तो दोनों स्टार, तो छोटा बड़ा क्यों दिखाते हैं? पार्ट की बात है, उनका बड़ा पार्ट है। है तो पार्ट तुम्हारा भी ना। देखो सूक्ष्म बतन में शालिग्राम दिखाते हैं, यहां शिव को बड़ा दिखाया है, परंतु वास्तव में तो ऐसे है भी नहीं, क्योंकि है ही स्टार परमात्मा और वो आत्मा, उनको परम कहा जाता है। परम धाम में रहने वाली और ये जो सभी आत्माएं हैं जो पुनर्जन्म में आती हैं, वो तो पुनर्जन्म में नहीं आता है। समझा ना? अर्थात पुनर्जन्म मिलता ही है यहाँ विश्व में, पुनर्जन्म कोई सूक्ष्म वतन में नहीं मिलता है, मूल वतन में भी नहीं मिलता है, मिलता ही है सूक्ष्म वतन में, वो स्थूल वतन में अर्थात विश्व में। अभी तुम देखो अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, ये तुम्हारे सामने कौन बैठा हुआ है? कौन बैठ करके समझाते हैं? अभी तुम ही इनको समझ सकते हो ना। बरोबर, ये जो परमपिता परमधाम में रहने वाला परमात्मा है वो खुद कहते हैं कि मुझे ये प्रकृति का लोन लेना पड़े, ये प्रकृति का पुतला है ना, नहीं तो मैं भला तुमको कैसे समझाऊं? तुमको हम नर से नारायण कैसे बनाऊं? कृष्ण वास्तव में है ही नारायण, परंतु कृष्ण को नारायण तो नहीं समझते, पर वास्तव में है तो नारायण, यानी स्वयंवर के बाद उनका नाम नारायण रखा जाता है। तो बाप बैठ करके ये सब बातें समझाते हैं। क्या किसका नाम स्वयंवर के बाद रखा जाता है? हैं? कृष्ण का। परंतु स्वयंवर सतयुग में होता है या संगम की यादगार स्वयंवर दिखाया है भक्ति मार्ग में? तो संगम युगी कृष्ण की बात है
या सतयुग में बच्चे के रूप में जन्म लेने वाले कृष्ण की बात है। तो बाप बैठ करके ही ये सब बातें समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं कि हे मीठे बच्चे, तुमको इन बातों को सुनकर नशा चढ़ना चाहिए। और कोई ब्राह्मण तो इन बातों को समझा ही नहीं सके। जब चलते फिरते हो, घूमते हो, तो बाबा पूछते हैं विश्व का महाराजा बनने के लिए अभी हम माया पर जीत पहन रहे हैं, ये भारत नहीं, बॉम्बे नहीं, तुम विश्व का महाराजा जब बनते हो तो ये बॉम्बे नहीं होता है। कब की बात हुई? तो कौन सा टाइम होगा जब ये बॉम्बे नहीं होगा? लेकिन तुम विश्व के महाराजा बन जाएंगे। टाइम का पता चला है? ये बॉम्बे कब नहीं होगा है? अरे जब इस कल्प का अंत होगा, सभी असत धर्मों का विनाश हो जाएगा, एक सद्धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी, तब फिर ये बॉम्बे नहीं रहेगा। तो ये तो तुम सबको नशा रहता है, बरोबर नशा रहता है या कोई कोई को रहता है? क्योंकि जो जो कोई कोई शंकाओं में होंगे तो उनको ये नशा नहीं चढ़ता है। तुम्हारी महिमा है कि अगर अतीन्द्रिय सुख में जीवन की अवस्था पूछनी हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। गोप और गोपियां और गोपी वल्लभ, ये कौन से युग की बात है? है? सतयुग की बात नहीं होती है, ये संगम युग की बात है। गोप और गोपी उनको कहा जाता है जो इन गुप्त बातों को समझते हैं। तुम्हारा ज्ञान गुप्त है ना? दुनिया वालों की या और धर्म में कन्वर्ट होने वालों की बुद्धि में नहीं बैठता, वहां सतयुग में तो होते ही हैं सहजादे सहजादी, मालिक होते हैं और राजाई होती है, तो जरूर यहां की बात होगी। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो लिखा हुआ है गोप गोपिकाओं से पूछो। ये फाइनल के समय की बात है। ये फाइनल कब होगा? फाइनल एग्जाम होता है ना, फाइनल एग्जाम के बाद रिजल्ट निकलता है ना, कौन पास विद ऑनर हुए, कौन फर्स्ट क्लास निकले, कौन सेकंड ग्रुप के निकले, माला तो बनती है ना। तो फाइनल मालाएं तुम्हारी कब तैयार हो जाएंगी? 18 में पूरी मालाएं ही तैयार हो जाएंगी। हैं? हैं? 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो ये 10 साल का टाइम लंबा क्यों दिखाया? क्योंकि एकदम तो नहीं बन जावेंगे ना।
नंबर वार ही तो प्रत्यक्ष होंगे। तो 2028 में फाइनल एग्जाम की रूपरेखा और इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। तब का गायन है क्या, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि उस समय में तुम फाइनलिटी में आ जाते हो और फिर तुमको ये नशा रहता है। अभी तो तुमको इतना नशा नहीं रहता है, कितना, जितना फाइनल एग्जाम के बाद तुमको नशा चढ़ेगा। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देखो सभी कहते हैं और ये इतना भी नहीं कहते हैं, अच्छा हम विश्व की रानी और राजा बनेंगे, क्योंकि सीता को टाइटल है रानी का और उनको राजा का, किनको, राम सीता को राजा रानी का टाइटल है और इनको टाइटल है महाराजा महारानी का, तो फर्क हो गया ना। यहां भी कायदा ऐसे होता है, महाराजा महारानी बड़ी, रानी और राजा छोटे, तो ये टाइटल मिलते हैं। महारानी का टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई लेते थे तो उनको लाखों देना पड़ता था। क्या लाखों देना पड़ता था, लाखों रुपया देना पड़ता था। और यहां संगम युग में क्या देते हैं, है लाखों को ज्ञान देते हैं, और जिनको जिनको ज्ञान का संदेश देते हैं वो प्रजा तो बन जाती है। जो प्रजा बन जाती है वो फिर अंत में ऊंची स्टेज की प्रजा प्रत्यक्ष हो जाती है। तो देखो बहुत देना पड़ता है, कम से कम कोई को करोड़ दो करोड़ देंगे तब उनको टाइटल मिलता था महाराजा महारानी, क्योंकि बाबा इन सब बातों का अनुभवी है ना। जो राजा रानी का टाइटल लेते थे वो लाख दो लाख पांच लाख जरूर देते थे, और अगर कोई चाहे मुझे कोई दूसरा छोटा मोटा राज बहादुर तो 10-20 हजार देना पड़ता था, क्योंकि ये बाबा का अनुभव है कि किनको किनको ये टाइटल दिलवाए, समझा ना। वो गवर्नमेंट थी कौन सी, अंग्रेज गवर्नमेंट, टाइटल दिलाया था। तो महाराजा महारानी के लिए कोई 10-20 हजार नहीं दिया होगा, छोटी मोटी सौगात दे देते 100-200 रुपए की और वो छोटे मोटे टाइटल मिल जाते। नहीं तो कितनी ज्यादा रकम भर के देनी पड़े, वो तो हद की रकम थी। यहां तो बेहद की बात है, वो भी गवर्नमेंट से अगर कोई माने
और पैसा देवे तो क्या नहीं मिल सकता है। 21:63 की वाणी का चौथा पेज, जो कुछ चाहे तो गवर्नमेंट दे देंगे। और इस समय में विश्व का तो कोई है नहीं, हाँ तुम बच्चे बैठे हो। जब कोई दूसरे सत्संग में तो ये बातें होंगी नहीं, तो सत्संग जो पुराने हैं वो तो चले आते हैं द्वापर से। परंपरा का अर्थ ये नहीं है कि सतयुग से चले आते हैं, नहीं, ये सब सत्संग भक्ति मार्ग में शुरू होते हैं। ऐसे तो नहीं है कि भक्ति मार्ग सतयुग से चला आता है। अरे कहते भी हैं ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। ज्ञान से सोजरा हो जाता है, भक्ति अंधियारा था तक ज्ञान को कहा जाता है। तो जरूर आधा कल्प ज्ञान वालों, उन्होंने तो ये भक्ति नहीं की होगी, पिछाड़ी में है भक्ति। तो वहां से लेकर के ये वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह पढ़ते आए हैं, पढ़ते पढ़ते आकर के अब अंत में तमो प्रधान बने हैं। क्यों क्यों तमो प्रधान बने? क्योंकि भक्ति पहले अभिविचारी थी, फिर अभिविचारी भक्ति से भी विचारी बननी है जरूर। द्वापर में पहले अभिविचारी भक्ति, पीछे नीचे उतरते उतरते बिल्कुल ही दुर्गति को, तमो प्रधान स्थिति को पाया। देखो भक्तों को अभी भी कितना नशा है, इतना नशा है जो तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनेंगे ही नहीं, बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। ज्ञान से थोड़ा ही भगवान मिलता है। तुम पूछेंगे कैसे मिलता है, कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। भक्ति से भगवान आएंगे मिलने के लिए, ज्ञान से थोड़ा ही मिलेगा। तो सचमुच जो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं उससे भगवान नहीं मिलता है। भक्तों को भगवान मिलते हैं क्योंकि उनको साक्षात्कार कर आते हैं। शास्त्र पढ़ने से कभी किसको साक्षात्कार नहीं होगा, परंतु भक्तों को अगर बैठ करके कोई की भी, कृष्ण की या किसी की भी भक्ति, नौदा भक्ति जिसको कहते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति, ऐसी नौदा भक्ति करेंगे तो उनको साक्षात्कार हो जाएगा। तो साक्षात्कार करके वो खुश हो जाते हैं। ये शूटिंग कहां की है, हैं? वहां तो भक्ति में बंद आंखों का साक्षात्कार करके खुश हो जाते हैं, और यहां ज्ञान मार्ग में उनके साक्षात्कार में है अल्पकाल की खुशी, और तुम्हारे साक्षात्कार में है सदाकाल की खुशी, क्योंकि तुमको बुद्धि से साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं। वो भी समझते हैं हमको भगवान मिला, बस उनकी खुशी तो इतने तक ही रहती है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। कोई ऐसे नहीं कहेगा
कि भगवान मिला तो भक्ति मिली, जीवन मुक्ति मिली, मुक्ति मिली, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान का दीदार हुआ और बहुत अच्छी तरह से खुश हुआ। फिर भी बाबा कहते हैं ना, भक्तों को भक्ति करने से साक्षात्कार हो सकते हैं। तुम कितना भी बैठ करके शास्त्र पढ़ो, तुमको किसका साक्षात्कार होगा? क्या शास्त्रों का साक्षात्कार? देखो अभी तो वो खुद है ना, जो मन की मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे, अल्पकाल की क्षण भंगुर, सोई बाप बैठ करके समझाते हैं। फिर कोई भी देवता बनाओ, भले गुड़ियों को बनाओ, भले पूंछ वाला बनाओ, शीश वाला बनाओ, भगवान को कुत्ते की पूंछ वाला बनावे, मच्छ वाला बनावे, कच्छ बनाए देवे, हाँ उनकी आशा पूर्ण करने के लिए मैं उनको साक्षात्कार जरूर कराता हूं। इसलिए मनुष्य समझ सकते हैं कि मच्छ में भी है, कच्छ में भी है, ठिक्कर में भी है, भित्तर में भी है। इसलिए उन्होंने ये समझ लिया, पर है तो नहीं ना, ये तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए उनका दिल खुश कर देता हूं। अभी तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप तुम्हारी दिल कितना खुश करते हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो, सो भी सच्चे सच्चे बच्चे हो, क्योंकि सच्चे भी हैं, फिर कोई कोई कच्चे भी हैं। सच्चे को कहा जाता है मातेला और कच्चे को कहा जाता है सौतेला। तो मातेला होगा वो प्रतिज्ञा करेंगे और फोटो भेज देंगे और कदम कदम पर सीमित पर चलते रहेंगे। कौन? जो पक्का होगा, जो उनसे थोड़ा कच्चा होता है, मातेला भी होता है, तो वो भी कदम कदम पर मत नहीं लेगा। कदम कदम पर मत नहीं लेंगे, बाबा से हर बात कदम कदम पर नहीं पूछेंगे, तो वो भी भटकते रहेंगे। कहां भटकते रहेंगे? बाबा से अनिश्चय बुद्धि होकर कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पर भटकते रहेंगे, फिर गिरते रहेंगे, लंगड़ाते रहेंगे। परंतु नहीं, यहां तो सुप्रीम पंडा है। पंडा माने रास्ता दिखाने वाला, ये रूहानी पंडा है। कहां ले जाता है? रूहों के धाम में, परम धाम में ले जाता है। और परम धाम से आने वाला परम धाम से आया है, जो कदम कदम पर तुमको श्रीमत देता है, बोलता है मैं आया हूं, पंडा बन करके आया हूं, तुम बच्चों को कहां ले जाने आया हूं? मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम ले जाने आया हूं। फिर अपने मुक्तिधाम निर्वाण धाम ले जाऊंगा ना, क्योंकि मैं रहवासी ही निर्वाण धाम का हूं। मैं आया हूं तुमको निर्वाण धाम चलने के लिए, इसलिए तो कहता हूं
कि हे बच्चे, अपने निर्वाण धाम को फिर से याद करो, और ये सारी दुनिया उसके लिए भक्ति करती रहती है। जीवन मुक्ति के लिए तो कोई करते ही नहीं है। भक्तों को क्या समझाते हैं गुरु लोग, हैं? भक्तों को समझाते हैं कि मुक्ति पाना है, क्योंकि उनको तो कोई मत देने वाला है ही नहीं। जो मत देने वाले हैं गुरु लोग, वो सब मुक्ति चाहते हैं। उनमें कोई देवता तो है नहीं, बाकी तो वो सन्यासी हैं, वो तो मुक्ति वाले हैं। अभी वो कहते हैं कि देखो, मैं ही सबको सदगति और गति देने वाला हूं, तो सदगति तो थोड़ों को मिलेगी ना, क्योंकि सदगति का इम्तिहान बड़ा भारी है। सदगति है जीवन मुक्ति, और वो है सन्यासियों की क्या है, सिर्फ मुक्ति। मुक्ति तो कम होगी ना, क्योंकि जो मुक्ति लेंगे वो स्वर्ग नहीं देख सकेंगे। तो कितने मुक्ति लेंगे जो इन आंखों से स्वर्ग को देख सकेंगे, है? जो पहला ग्रुप है पक्के सूर्यवंशियों का, वो ही स्वर्ग को देख सकेंगे इन आंखों से। बाकी तो इन आंखों से स्वर्ग नहीं देख सकेंगे। या तो जो उन 4.5 लाख में प्रवेश करने वाले हैं, वो भी वो भी आंखों से ही स्वर्ग देखेंगे। बाकी जो भी धर्म पीछे आते हैं सिवाय सूर्यवंशी चंद्रवंशी के, वो कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो कौन सा स्वर्ग हुआ? स्व माने स्वयं स्थिति, ग माने गए, अर्थात जो 16 कला संपूर्ण स्वयं स्थिति में जाते हैं वो ही स्वर्गवासी हैं पक्के। बाकी सब हैं पक्के स्वर्गवासी या कच्चे स्वर्गवासी? क्यों? क्योंकि जो कच्चे स्वर्गवासी होते हैं, बाद में आने वाली आत्माएं होती हैं, वो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्वर्ग के सुख वो देख नहीं सकते। ये वंडरफुल वैकुंठ ही वो तो नहीं देख सकते। कौन सा वंडरफुल वैकुंठ? कौन से युग का? उनमें नहीं आ सकते हैं, तो यहां तो पूरा लायक बनना पड़े। जो लायक थे सूर्यवंशी थे, उनको माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया। 21:10-63 की वाणी का 5वां पेज। तो नालायक को फिर लायक बनावे तब तो सूर्यवंशी बने ना, और नालायक किसको कहा जाता है? है सही, नालायक कहा जाता है बंदरों को, जिनमें 10 सिर 5 शीश
उनको तो बंदर कहना यानी बंदर से भी बदतर। तो आज मनुष्य बंदर से भी बदतर हो गए हैं। तो अभी हरेक अपन से पूछे कि मैं लक्ष्मी अथवा नारायण को बनने लायक बनने लायक बना हूं या बनी हूं, क्योंकि नशा तो सबको चढ़ता है ना। कहते हैं हम नारायण को बनेंगे व लक्ष्मी को बनेंगे। अभी अपनी अपनी शिकल अपने ही दर्पण में देखो। उसको कहा जाता है अंदर का दर्पण। या गीत गाते हैं, तेरा मन दर्पण कहलावे। ये वाला दर्पण अर्थात आईना, वो आईना नहीं। बरोबर जानते हो कि लक्ष्मी नारायण को बरेगी, ये तो पक्का जानते हो। अभी हरेक बच्चे पूछते हैं, एक तो नहीं पूछते। बाबा हम भी पूछते हैं, हमारी अवस्था आप समझते हो ऐसी है? जब नारायण को वरना है तो बाबा बोलते हैं, तुम अपने दर्पण में मुंह को देखो। ये काम क्रोध लोभ अशुद्ध अहंकार, इन पर तुमने कहां तक भी जीत पाई है? और भी बाकी कौन भूत हैं तुम्हारे में? तो कहेंगे हां बाबा मुझे क्रोध आता है। फिर तुम अपने को लक्ष्मी या नारायण को वरने के लायक समझते हो? ये अपने दिल से पूछो, इसमें क्या बात है? तुमको ये साथ छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें पूछने की तो कोई बात ही है नहीं है। तुम क्या बाबा से पूछेंगे, अपने दिल से पूछो। बाप समझाए देते हैं, अपने दर्पण में पूछो कि तुम्हारे में काम का भूत है। भले इस समय तुम कच्चे हो, ये तो बैठ करके कोई पिछाड़ी में पूछा है ना, तभी ही हम बर सकेंगे। तो देखो बाबा कहां की बैठ करके, और यहां तो बाबा खुद पूछते रहते हैं। मेरे लाडले बच्चे हाथ तो उठाते हो कि हम श्री नारायण को वरेंगे, बोलते हो नहीं नहीं हम रामचंद्र को नहीं वरेंगे। हम माया से हारेंगे थोड़े, या हम नापास थोड़े ही होंगे? 33 मार्च से कम थोड़े ही जाएंगे? ऐसे नालायक बच्चे हम थोड़े ही हैं, क्योंकि जो फेल हुए तो नालायक बच्चे हुए ना। जो बाप को कहे कि बाबा हम तो 33 मार्च तक भी पास नहीं हो सकते, तो बाबा बोलेंगे तुम तो बड़े नालायक हो। अज्ञान काल में कोई स्कूल या बच्चा हो, बाप पूछे अरे पास होंगे? नहीं बाबा, हम तो 33 मार्क से भी नीचे चला जाऊंगा। तो फिर पास हो सकेंगे? कहेंगे ये तो कच्चा बच्चा है। कहेंगे तुम तो मूर्ख हो, बड़े नालायक। तो ये बेहद का बाप भी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे
तुम पुरुषार्थ करते हो, देखो तुम नारायण को बरने के लिए कहते हो, तो अपने दिल से पूछो अंदर कोई विकार है, काम है, क्रोध है, भले अगर है भी तो मुटाते चलो। कोई भी ऐसा काम करेंगे या कोई के ऊपर क्रोध करेंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित माना ईश्वर को भी कलंक लगाएंगे, ईश्वर को भी कलंक लगावेंगे तो उनके कुल को भी कलंक लगावेंगे, और अगर कुल को कलंक लगाएंगे तो फिर तुम्हारा रजिस्टर ही खराब हो जाएगा और तुमको फिर बड़ा घाटा पड़ जाएगा। तो बिल्कुल ही खबरदारी चाहिए। काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, ये सभी मिटाना होता है। मंजिल बहुत ऊंची है। आए हैं पढ़ने के लिए हम, श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बच्चे बाप और माँ को फॉलो करो और बहुत मीठे बनो। देखो कितना मीठा कितना प्यारा शिव बाबा कहते हो ना, तो बाप कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, दिल दर्पण में देखो, तुम इतने मीठे हो, इतने प्यारे हो, तुमको सब कोई ऐसा प्यार करते हैं जैसे मम्मा बाबा को प्यार करते हैं, वैसे तुम्हारे में से कोई ऐसे बने जो उनको प्यार करते हैं, बरोबर ऐसे हैं जिनको बहुत प्यार करते हैं। किसको? जो आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, जैसे बाबा नाम भी लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, कुमार का है तो बड़े धनवान के घर में किले में बैठी हुई है, वहां बड़े धनवान आते हैं, बड़े बड़े सन्यासी कांग्रेस वाले आते हैं, उनके बैठ कर को तो समझाते हैं ना। फिर देखो कानपुर में अच्छी अच्छी गंगे हैं, मोमले बच्चे हैं, तो नाम तो लेंगे ना। जिसे कहा जाता है ये पांडव सेना में कौन कौन महारथी है, कौरव सेना में कौन कौन महारथी है, बताऊं तुम बच्चों को? कौरव सेना में कहेंगे ओ हो, प्रेसिडेंट राधा कृष्णन, क्या कहा, कौन सी सेना के हुए राधा कृष्णन, कौन से राधा कृष्णन और कौन सी कुमार का, हद की कुमार का राधा कृष्णन या बेहद की कुमार का राधा कृष्णन है? अरे जैसे कहते हैं गांधी हद का और गांधी बेहद का, तो तुमको बताते कौन है, कौन कौन बड़े बड़े हैं। फिर देखो नेहरू जी कितना बड़ा है, फिर देखो ये चीफ मिनिस्टर्स, ये फलाना, कौरव सेना के एक एक राजधानी का
चीफ मिनिस्टर फलाना फलाना है ना, तो ऐसे क्यों बने? क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को मदद दी थी, बापूजी को मदद दी थी, जो बेचारे चाहते थे कि हम राम राज्य स्थापन करेंगे। वो चाहता था, परंतु वो तो राम राज्य स्थापन नहीं कर सके। कौन? बापूजी। कौन सा बापूजी? हद का या बेहद का? हद का बापूजी भी राम राज्य स्थापन नहीं कर सके, और बेहद का बापूजी भी राम राज्य नहीं स्थापन कर सके। तो वो कुछ न कुछ कर दिया, तो कौरव राज्य स्थापन कर दिया। क्या बापू ने क्या कर दिया है? कौरव राज्य स्थापन कर दिया। हद की दुनिया वाले बापू ने भी कौरव राज्य स्थापन किया, और बेहद के बापू ने भी कौरव राज्य स्थापन कर दिया। कौरव माने क्या है? पौओं की तरह एडवर्टाइजमेंट बहुत करते रहते हैं, काव 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 शोरगुल बहुत करते हैं, परंतु और ही भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है कि कम होता जाता है? और ही भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। जो न था ये ड्रामा में वो होने का था, तो जिन्होंने मदद दी देखो है ना, उनके ऊपर अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हैं। अच्छा यहां भी देखो, पांडव सेना में कौन कौन महारथी है? बताया ना, कौन कौन बताए? मम्मा है, बाबा है, यहां मम्मा बाबा का नाम लिया, फिर ये मनोहर बेटी है, ये बहुत अच्छा संभालती है। अभी देखो ये हमारी दीदी आई हुई है। कौन? दीदी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? मनमोहिनी दीदी। ये अच्छा है ना, कितने सेंटर्स को संभाले बैठी है। यहां देखो हमारी रतन है, ये देखो देवता है, मेरठ का वो महारथी देखा हुआ है ना, ऐसे ऐसे अभी कितने नाम बताए हैं, तो सही ना। अभी बात यहां की है ना, फिर बाद की बात में देखी जाएगी। तो देखो यहां की बात है, और गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, सभी इनकी शाखाएं बनाई हुई है। रामायण देखो कोई धर्मशास्त्र नहीं है, और महाभारत इसका ही धर्मशास्त्र बनाया है, उसमें भी गपोड़े लगाए दिए हैं। भागवत भी इसका ही बनाया हुआ है। अर्थात
ये पास भाग भी है तो यहां का ही बनाया हुआ है, नहीं तो ये पास भाग कहां से आया? रामचंद्र के पास तो था ही नहीं। इस दुनिया में रामचंद्र कोई अज्ञानी थोड़े ही था, वो तो अभी प्रारब्ध भोग रहे हैं, उनको ज्ञान की क्या दरकार है? तो वशिष्ठ भी फालतू, बाप आकर बताते हैं ना, कहा है ना, मैं तुमको सभी वेद ग्रंथों और शास्त्रों का सार बताता हूं। बाबा कहते हैं ये भी बहुत पढ़ता था, इन लोगों के भी डब्बे में ठीक करी थी और ये भी ठीक कर था। अभी देखो ठीकर से ठाकुर बन रहा है, तुम भी ऐसे बन रहे हो ठीकर से ठाकुर, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि अर्थात पारसनाश बन रहे हो। हम श्री रामचंद्र और सीता को पारसनाथ नहीं कहेंगे, क्यों है? रामचंद्र को और सीता को पारसनाथ क्यों नहीं कहेंगे हैं? क्योंकि उनके लिए नहीं बोला है, जो देखे जो सुने उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। तो आंखों से देखेगा माने आंखों से स्पर्श हुआ ना, तो पारसनाथ का गायन हुआ। कानों से सुना तो कानों से आवाज का स्पर्श हुआ ना, तो पारसनाथ उस समय की बात है, फेलियर की बात नहीं है। कहते हैं चांदी का आलाय पड़ जाता है, उनको कहा जाता है सिल्वर का एज, और तुम तो गोल्डन एज वाले बन रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे अपने दिल रूपी दर्पण में पूछते रहना कि हम अभी बरोबर अशरीरी हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, हमको बीच बीच में देह का अभिमान तो नहीं आ जाता है? देह के अभिमानी हो या देही अभिमानी हो, अपन को अशरीरी समझ करके उठते बैठते, क्योंकि उठना फिरना तो फिर शरीर के साथ होगा ना, परंतु निश्चय तो हो, ऐसे तो नहीं है हमको कोई आत्मा को रियलाइज करना है, नहीं, परमात्मा को रियलाइज करना है, भगवान को जानना है। अरे आत्मा तो सदैव चाहती है कि मैं बाप को जानूं, ऐसे कहा जाता है। तो आत्मा को ज्ञान चाहिए, ज्ञान किसकी? बाप की नॉलेज चाहिए, है तो सिर्फ हर एक आत्मा, अहम आत्मा मम शरीर, सो तो सब हम आत्मा ही हैं। अभी उनको भगवान से मिलना है और भगवान से मिलकर के रियलाइज करना है कि हम आत्मा परमपिता परमात्मा से मिले, तो भगवान आकर के बच्चों को रियलाइज करेगा, नहीं तो कैसा भगवान?
अगर भगवान प्रैक्टिकल में ना आवे, शरीर में ना आवे, तो रियलाइज कैसे कराएगा? फिर वो कैसा भगवान है, कौन मानेगा? बाप आए तब बच्चों को आकर के जन्म दे, मुखवंशावली बनावे, मुखवंशावली बनावे फिर उनको अपना परिचय देवे। देखो तुम मुखवंशावली बने हो, वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुखवंशावली नहीं है। कहते हैं हम ब्रह्मा मुखवंशावली हैं, परंतु उनका ब्रह्मा कहाँ है? तो क्या कहेंगे, सूक्ष्म वतन में तुम यहां कहां से आ गए? तो सच्चे सच्चे मुखवंशावली तुम बने हो, तुमको सब परिचय देते हैं, पाप तुमको सारा राज समझाते रहते। ओम शांति।